वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे स्मोकी मलाई पनीर। इसके लिए सबसे पहले हम लेंगे बॉयल प्याज, उसके बाद 4 से 5 हरी मिर्च डालेंगे और एक साथ ही ब्लेंड कर लेंगे इसको। और ये काजू मगज़ को भी 5-6 दाना काजू और मगज़ को भी फुला करके ब्लेंड कर देंगे। हम बारीक पेस्ट बनाना है इसको। उसके बाद हम कढ़ाई में जो भी आपका बर्तन है उसमें 2 टेबलस्पून प्योर घी डालेंगे। उसके बाद जो हमने प्याज और हरी मिर्च का जो पेस्ट बनाया है, बॉयल्ड प्याज और हरी मिर्च का जो पेस्ट है उसको डाल देंगे। उसको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो तो बॉयल पहले से ही है। फिर उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे 1 चम्मच। अब इसको पकाना है ताकि इसका कच्चापन निकल जाए, अदरक लहसुन का कच्चापन निकल जाएगा और तेल घी भी साइड से छोड़ने लगेगा। देखिए ये भुन चुका है। इसमें अब हम जीरा पाउडर डालेंगे 1 टीस्पून। काली मिर्च भी 1 टीस्पून डालेंगे क्योंकि इसको लाल मिर्च नहीं डालना है, तो काली मिर्च थोड़ा सा अच्छे से डालना कि ताकि इसमें तीखापन आए। और हरी मिर्च भी हमने डाला है। और एक गरम मसाला पाउडर 1 चम्मच। और फिर इसको अच्छी तरह से इसको मिला लेंगे। और ये 2 टेबलस्पून फीटा हुआ दही है। बराबर इसको चलाते रहें ताकि दही फटे नहीं। देखिए घी छूटने लगा साइड से। अब इसके बाद हम इसमें काजू मगज का पेस्ट डालेंगे। नमक भी सॉल्ट अपने हिसाब से, अपने टेस्ट के हिसाब से आप नमक डालें। ये काजू मगज का पेस्ट है, थोड़ा पतला करके डालिए ताकि लम्स ना पड़े इसमें। आप इसको अच्छी तरह से चलाती रहिए। जब ये पक जाए इसमें हम 2 टीस्पून शुगर भी डालेंगे हल्की सी मिठास के लिए। ये अब ये पनीर का क्यूब्स हमने डाला है काट के, स्क्वायर्स में आप जिस तरह का शेप डालें। ऊपर से हम 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर, सिर्फ इलायची ग्रीन इलायची पाउडर डालेंगे। और ये मेरे पास मलाई था, हमने मलाई को फेंट के डाला। देखिए बातों ही बातों में मलाई पनीर तैयार हो चुका है। और रिफ्रेशिंग के लिए इसमें हमने पुदीना डाला है, फ्रेश पुदीना को क्रश करके। और थोड़ी सी कस्तूरी मेथी जाएगी इसके अंदर। इसके बाद हम इसको स्मोक देंगे। बहुत ज़्यादा स्मोक नहीं देना, हल्का सा बस। घी का धुआं दिया, अब इसको ढक के रख दीजिए जब तक इसमें इसका स्मोक है। और निकलने के बाद हमारी मलाई, स्मोकी मलाई पनीर तैयार हो गई है। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू। वेलकम टू माई चैनल। आज हम